खबर हल्द्वानी से है, जहां की सड़कों का इन दिनों बहुत ही बुरा हाल है। स्थानीय लोगों को पता ही नहीं चलता कि सड़क है या फिर गड्ढा। सड़कों में बने गड्ढों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की सड़क कैसी बदहाल अवस्था में पहुंच चुकी है। लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन शासन प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। हालांकि कल्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं कि हल्द्वानी शहर की सड़कें एक सप्ताह के भीतर स्वस्थ कर दी जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी लोगों का कार्य शुरू नहीं किया गया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूं, ये रोड को कम से कम 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, काम अधूरा है, जनता बहुत परेशान हो रही है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूं कि जल्दी से जल्दी रोड सही करें, पब्लिक बहुत परेशान हो रही है, बरसात में पानी भर जाता है। सिंचाई विभाग द्वारा पिछले एक वर्ष से इस रोड का कार्य जारी है। आप देखिए, बरसात नहीं है फिर भी यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। करीब 6 माह हो गए हैं यहाँ पे रोड का कार्य बंद है। लोग मतलब यहाँ पे रात को लोग गाड़ियों से गिर जाते हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना आम नागरिक को करना पड़ रहा है, फिर भी सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, शुरू में तो इन्होंने काम किया, उसके बाद जब से इन्होंने काम छोड़ा पिछली जाड़ों से लेके ये जो बरसात झेली है, हमने बहुत परेशान रहे हैं बरसात में। 3 दिन की बारिश हुई जब पूरे इतने बड़े जो छोटे गड्ढे थे वो इतने बड़े हो चुके हैं कि उसमें पूरा ऑटो पूरी कार अंदर से ऊपर को चले जा रही है।